हेलो नाइन्थ क्लास, और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड लेसन ऑफ सिविक्स, विच नेम इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर्स एंड व्हाई वी नीड इट। तो जैसे कि अभी मैंने बोला है कि हम डेमोक्रेसी के बारे में इस लेसन में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल रीड अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी क्या है। तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, आप इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट है लोगों की, लोगों के लिए, लोगों द्वारा। ओके, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि ये गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप है जिसमें रूलर्स जो होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो लोग इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? पीपल के द्वारा, यानी कि आम जनता के द्वारा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आर टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक पेज नंबर 23 पर है। तो यहाँ स्टार्टिंग में है व्हाट इज डेमोक्रेसी, जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्या है। ये गवर्नमेंट का ये एक रूप है, और ये हम यहाँ रीड नहीं करने वाले, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि अब CBSE ने क्या कर दिया है, रिड्यूज कर दिया है। तो अब हमारा लेसन हम शुरू करेंगे यहाँ से, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की परिभाषा क्यों जरूरी है, इसको क्यों डिफाइन करना जरूरी है। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। तो कह रहा है कि आगे बढ़ने से पहले हम एक मैरी, यहाँ एक लड़की का नाम है स्टूडेंट्स की, उसके एक ऑब्जेक्शन पर ध्यान देते हैं। शी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस, और जो कि क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से, और वो अपने टीचर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ रही है। हर टीचर मैटिल्डा लैंगडो रिस्पॉन्ड्स टू हर क्वेश्चंस एज अदर क्लासमेट्स ज्वाइन द डिस्कशन। तो उसकी जो टीचर थी, किसकी टीचर स्टूडेंट्स? यहाँ मैरी की टीचर जो थी, उसका नाम है मैटिल्डा लैंगडो। तो जब उसने मैरी के क्वेश्चन का आंसर देना शुरू किया, तो बाकी के जो क्लासमेट्स थे, बाकी के और जो बच्चे थे, उन्होंने भी इस डिस्कशन को क्या किया, ज्वाइन किया। अब हम देखते हैं मैरी का क्या क्वेश्चन है। मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग डेमोक्रेसीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैरी कह रही है कि मैम, मुझे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा कि हमने पहले डेमोक्रेसी के बारे में, जो पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, उसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में रीड किया, और अब सेकेंड चैप्टर में हम इसका मीनिंग रीड कर रहे हैं। आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच्ड इट द अदर वे राउंड। तो मतलब कि ये कह रही है कि हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। शुडंट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल। हमें पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ना था और फिर उसके एग्जाम्पल। बट यहाँ क्या हुआ है स्टूडेंट्स, कि हमारा जो फर्स्ट लेसन था उसमें डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल्स थे, और सेकेंड लेसन में मीनिंग है। तो यही बात मैरी को थोड़ा अजीब लग रही है, जो अपने टीचर से वो पूछ रही है। अब उसकी मैडम कह रही है, आई कैन सी योर पॉइंट, कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, बट दैट इट वॉज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव। डू वी वेट टू हैव ए डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज देम। तो वो कह रही है कि ऐसे रीजन तो हमारी डेली की लाइफ में बहुत सारे हैं, जैसे कि हम पेन का यूज करते हैं, बारिश का या प्यार का। तो इनको हम पहले यूज करने से पहले इन वर्ड्स को, इनको डिफाइन नहीं करते, मतलब इनकी डेफिनेशन नहीं देते, इनको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? इट इज ओनली बाय यूजिंग ए वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। तो वो कह रही है कि सोचो कि क्या हमारे पास इन वर्ड्स का कोई
स्पेशल इनका अर्थ है हमारे पास, इनको हम यूज करके ही इनको इनके मीनिंग को हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेन है, पेन का जब तक हमें यूज नहीं आता तो वो हमारे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। बट जब हम उसको यूज करेंगे, उससे लिखेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि पेन का यूज ये है, यानी कि पेन को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो ऐसे ही डेमोक्रेसी को, अब मैरी फिर कह रही है बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल, परंतु हमें डेफिनेशन की क्यों ज़रूरत होती है, सभी चीज़ों की डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है। अब उसकी मैम कहती है वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस ए डिफ़िकल्टी इन द यूज ऑफ ए वर्ड, यानी कि हमें किसी भी चीज़ की डेफिनेशन की ज़रूरत जब होती है, जब हमें किसी भी शब्द को यूज करने में डिफ़िकल्टी हो। वी नीड ए डेफिनेशन ऑफ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड ब्रस्ट, यानी कि हमें बारिश की डेफिनेशन की ज़रूरत तब होती है जब हमें बूंदाबांदी या बादल फटने या फिर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो इनको एक्सप्लेन करना हो, तब हम बारिश का जो डिफाइन करते हैं कि बारिश किस टाइप की हो रही है। वैसे तो हम जब भी बारिश आए तो हम ये डायरेक्ट यही कहते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं कि जैसे वो हल्की हल्की आ रही है, फुहार आ रही है या बादल फट गया है। तो ये इसी तरीके से कि रेन की डेफिनेशन भी तभी ज़रूरत होगी जब हमें इसे अलग अलग बोलना हो। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और सेम ऐसा ही डेमोक्रेसी के लिए है। वी नीड ए क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पज, हमें इसकी एक स्पष्ट परिभाषा तब चाहिए जब लोग इसका क्या करते हैं, क्योंकि लोग इसका क्या करेंगे, किसी स्पेशल पर्पज के लिए जब यूज करें। फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, इसका हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी, क्योंकि अलग अलग टाइप्स की गवर्नमेंट भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाती है, बट रियल में कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है, तो ये बात उसकी मैम ने कही है। अब बारी आती है रिबियांग की, जो कि क्लास का एक और स्टूडेंट है। बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन, कि वो कह रहा है परंतु हमें परिभाषा पर काम करने की ज़रूरत क्यों है। द अदर डे यू क्योटिड, यानी कि वो कह रहा है कि मैम आपने एक दिन पहले ये बताया था कि इब्राहिम लिंकन टू अस, कि इब्राहिम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इब्राहिम लिंकन ने क्या दी है कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट है लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई एक गवर्नमेंट है जो कि क्या है, डेमोक्रेसी। तो ये इब्राहिम लिंकन की बोली गई डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लेना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन में आती है कि इब्राहिम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दी है डेमोक्रेसी की। वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवर सेल्फ, हम मेघालय में हमेशा अपना राज चलाते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, जो कि हर किसी के द्वारा स्वीकार किया गया है। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, हमें इसको बदलने की ज़रूरत क्यों है। अब मैडम कहती है आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल बट वी डोंट नो इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आर सेल्फ। तो मैम का कहना है कि मुझे भी ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है, कौन सी डेफिनेशन, जो इब्राहिम लिंकन ने डेमोक्रेसी की दी है, लेकिन हमें एक अच्छे तरीके से समझने के लिए, अपने आप से समझने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी रियल में क्या है। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, हमें कोई भी चीज़ इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए कि वो फेमस है। इट इज सॉरी जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट इट, या फिर उसे सब कोई स्वीकार कर रहे हैं, तो सिर्फ इन रीजन के कारण हमें वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, उसका उसे हमने क्या करना है, अच्छे से समझना है कि वो जो रूल नियम बनाए गए हैं डेमोक्रेसी को लेकर वो क्या है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। युलांदा, अब ये एक नेक्स्ट स्टूडेंट है जिसका नाम युलांदा है, वो कह रही है मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, कि मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ।
वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, कि हमें किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. आई रीड सम वेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड. उसने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो कहाँ से निकला है, ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से. कौन से वर्ड से? डेमोक्रेशिया से. इन ग्रीक, ग्रीक लैंग्वेज में डेमोस मीन्स पीपल, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल. मतलब कि क्रेशिया मीन्स रूल, यानी कि नियम की, लोगों का रूल. सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल. इसका मतलब हुआ कि डेमोक्रेसी किसके द्वारा रूल की जाएगी? लोगों के द्वारा. दिस इज द करेक्ट मीनिंग, और ये एक सही अर्थ है. वेयर इज द नीड टू डिबेट, हमें बहस करने की ज़रूरत क्यों है? यानी कि यहाँ युलांदा ने क्या बताई है, डेमोक्रेसी की एक और डेफिनेशन बताई है. तो स्टूडेंट्स, ये आप भी अंडरलाइन कर लेना. आप अगर डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट होगा. अब मैडम कहती है, दैट इज आल्सो ए वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, कि ये एक बहुत ही हेल्पफुल तरीका है इस मैटर को और ज़्यादा सोचने और समझने के लिए. आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये हमेशा काम नहीं करेगा. ए वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजन, यानी कि एक शब्द का उसकी उत्पत्ति से लेकर उसको हमेशा के लिए यूज करना, ये तरीका ठीक नहीं होगा. जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स के बारे में सोचो. ओरिजिनली देवर यूज फॉर कंप्यूटिंग, दैट इज टू से कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैम ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है किस चीज़ का, कंप्यूटर्स का, कि कंप्यूटर जब बनाए गए थे तब उनका यूज़ सिर्फ कंप्यूटिंग में था, मतलब गणना करने के लिए ही बनाया गया था. और एक ये क्या था, कैलकुलेटर टाइप था, जो कि क्या कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल सम्स को, यानी कि जिनको प्लस माइनस करने में हमें डिफ़िकल्टी होती थी उनको ईजी करने के लिए ये बनाया गया था. दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, और ये बहुत ही पावरफुल कैलकुलेटर्स होते थे. बट नाउ ए डेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम्स. लेकिन आज अगर हम देखें तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर का यूज कंप्यूटिंग में कर रहे हैं, मतलब कि गणना के लिए कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं. दे यूज इट फॉर राइटिंग, अब वो उसका यूज किस में कर रहे हैं, कंप्यूटर का, राइटिंग में. फॉर डिजाइनिंग, डिजाइन करने में. फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड फॉर वॉचिंग फिल्म्स, यानी कि अब कंप्यूटर का यूज क्या हो गया है, बढ़ गया है. यानी कि जब कंप्यूटर बना था तो उसका यूज क्या था, बट अब जैसे जैसे लोगों ने और इन्वेंट किया, उसका यूज और बढ़ाया, तो ये चेंज हो गया. वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम, यानी शब्द वही रहते हैं लेकिन टाइम के साथ साथ उनका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ ए वर्ड. तो इस केस में ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा कि हम किसी भी वर्ड को उसके ओरिजिन से देखें, कि उसकी उत्पत्ति से देखें. जैसे कि अभी युलांदा ने बताया था कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड है और ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, तो ये वही बात हो रही है कि किसी भी वर्ड को उसके ओरिजिन से ना देखा जाए. नेक्स्ट टर्न है मैरी की. तो मैरी कह रही है, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आर थिंकिंग अबाउट द मैटर आर सेल्फ. वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व ए डेफिनेशन. तो मैरी कह रही है स्टूडेंट्स की, मैम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है और इसके अर्थ पर और गौर करना होगा और इसकी एक नई परिभाषा हमें बनानी होगी. तो अब मैडम कह रही है, यू गॉट मी राइट, कि तुम ठीक कह रही हो. लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ. चलो अब हम इसको देखते हैं. ए सिंपल डेफिनेशन, एक सरल परिभाषा. लेट अस गेट बैक टू आर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज अमोंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज. तो ये कह रही है कि चलो हम हमारी डिस्कशन पर वापस चलते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज क्या है, क्या समानताएं हैं और क्या अंतर हैं, जिन्हें हम गवर्नमेंट के अंदर क्या समानताएं और क्या अंतर हैं, जिसकी वजह से हम उस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कि वो डेमोक्रेसी है.
इन द प्रीवियस चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज. पिछले चैप्टर में हमने एक सिंपल सा फैक्टर मिला था या पहचान की थी जिससे कि हम डेमोक्रेसीज का पता लगा सकते थे. द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, कि सरकार जब लोगों के द्वारा बनाई जाती है. वी शुड द स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन, तो इसको हम एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, सरकार का एक रूप है जिसमें कि जो शासक होते हैं, सरकार चलाने वाले जो लीडर्स होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है? पीपल, आम जनता उस देश की. दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एक काफ़ी लाभदायक स्टार्टिंग पॉइंट है. दिस डेफिनेशन अलोज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये जो डेफिनेशन है वो हमें सरकार के रूप से क्या करती है, सेपरेट करती है. कि हमें पता लग रहा है कि जैसे यहाँ हमने कहा कि लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, जहाँ पर लोग इलेक्ट नहीं करते वहाँ डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट नहीं होगी. द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, तो म्यांमार में जो आर्मी रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर्स ऑफ द कंट्री. यानी कि जिसके पास भी आर्मी का कंट्रोल होगा वही उस कंट्री का क्या बनेगा, रूलर बनेगा. तो इस फॉर्म को हम नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ लोगों को कोई राइट नहीं दिया गया अपना रूलर इलेक्ट करने का. पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन, तो लोगों के पास इस डिसीजन के लिए कोई राइट नहीं था. डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी कि पिनोशे एक यहाँ देश का नाम है स्टूडेंट्स, वहाँ भी क्या है कि वहाँ के जो रूलर्स हैं वो भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते. दिस ऑल्सो अप्लाई टू मोनार्कीज, और यही सेम मोनार्कीज में होता है. मोनार्कीज भी स्टूडेंट्स क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि रूलर जो है वो कोई राजा या रानी होती है. इसे मोनार्कीज को हम राजतंत्र बोलते हैं, और डेमोक्रेसी को लोकतंत्र. द किंग्स ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन टू द रॉयल फैमिली. यानी कि नेपाल का राजा और सऊदी अरेबिया का जो राजा होगा, जो रूल करता है, वो इसलिए राजा नहीं बने कि उन्हें लोगों ने चूज किया, नो, बट वो इसलिए बने कि उनका जो जन्म है वो एक रॉयल फैमिली में हुआ, एक राजशाही फैमिली में हुआ. तो मोनार्की सिस्टम में ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स, कि जो राजा होता है आगे चलकर उसी की फैमिली का या उसी का बेटा राजा बनता है. तो इसमें यहाँ लोगों को कोई राइट नहीं होता अपना राजा इलेक्ट करने का. तो दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एजुकेट, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन भी पूरी नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किस चीज़ को, डेमोक्रेसी को. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल, बस ये हमें ये दिखा रही है कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का शासक, लोगों का शासन. बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन ए डेमोक्रेसी. तो ये कह रहा है कि इससे हम सिर्फ एक ऐसी डेफिनेशन मिलेगी कि हम सिर्फ उसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट क्या करा रही है, इलेक्शन करा रही है. यानी कि जो जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के द्वारा रूलर सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है. बट इसमें भी कुछ कमी है स्टूडेंट्स, अभी हम आगे रीड करेंगे. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 4. एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज नॉट सो. तो यानी कि हम उसको लोकतांत्रिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते जहाँ हर जगह जहाँ भी इलेक्शन होते हैं. तो अब ये कह रहा है कि ये एक हमारी भूल होगी कि जैसा कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि सभी गवर्नमेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि समकालीन विश्व में सभी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना क्या करती है, पसंद करती है. दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज ए डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रेटेंड्स टू बी वन.
तो इसलिए हमें एक रियल गवर्नमेंट और एक कहेंगे कि नकली गवर्नमेंट के बीच क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फ़र्क समझना पड़ेगा कि रियल में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या है, उसके अंदर क्या रूल्स होते हैं, रूल रेगुलेशन क्या है, क्या वो कंट्री उन सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। कई बारी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने बोला या हमने इसमें रीड किया कि जिस भी देश में इलेक्शन होंगे और लोग इलेक्शन के द्वारा अपने रूलर को चुनेंगे तो वो डेमोक्रेसी है, बट इलेक्शन में भी काफ़ी देशों में स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत ही गलत काम किया जाता है, कि गलती बहुत ही पैसे के बल पर या फोर्सली इलेक्शन में वोट डाला जाता है और फोर्सली गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो वहाँ ये डेफिनेशन भी सुटेबल नहीं होगी। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड सैपलिंग आउट द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि हमें बहुत ही समझदारी के साथ इस शब्द की डेफिनेशन को, सावधानी से इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा और इसकी फीचर्स को कि इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, तभी हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमने क्या सीखा कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, और इसकी डेफिनेशंस क्या है और ये कैसे कैसे अप्लाई होगी, हम आगे के पेजेस पर ये रीड करेंगे कि इसकी नीड क्यों है, इसकी फीचर्स क्या होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक आपने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस आई हैं कई, तो ये आपने लर्न कर लेनी है और ये अच्छे से समझ आया है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।